मुझे भूल तो नहीं गए हो ना तुम दोनों? ओ, 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 क्या हाल चाल है तुम लोगों के? हाँ, दिखने में तो ठीक लग रहे हैं। अरे लेकिन तुम तो कमजोर लग रही हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जबकि तुम्हारा महबूब तो हर वक्त तुम्हारे पास ही है, तो फिर तो तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक मैं हूँ यहाँ बिल्कुल अकेली, बिल्कुल तन्हा। देखो अपने महबूब से इतनी दूर यहाँ पर आ गई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही सुना। अच्छा पहले तुम अपने कान बंद कर लो, हम लड़कियों ने आपस में कुछ बात करनी है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाइयों से ज्यादा कंजर्वेटिव हो, ठीक है? अगर गुस्सा ना करो तो तुम्हें भी बता दूँ। तो बात यह है कि मेरी जिंदगी में एक बहुत ही हैंडसम और लविंग लड़का आ गया है। अच्छा सुनो, तुम तो फैल भाई को मत बताना, तुम तो जानते ही हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। मगर मैं उनसे ये बात बहुत देर तक छुपा ही नहीं पाऊंगी यार। अपने एक भाई को तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं अपने दूसरे भाई को भी बता दूं। वो तो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दूं। हाँ भाई बता दूंगी, मैंने तो बताने का तरीका भी सोच लिया है। लिसन बिग ब्रदर, बात सुने मेरी, मुझे आपसे एक बात करनी है जरूरी। अरे नहीं भाई, इस तरह से थोड़ी बात करूंगी मैं उनसे। ऐसे तो क्या, किसी भी तरह से उनसे बात करने का सोच ही नहीं रही मैं। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मैं उन्हें सब बता दूंगी तो हम यहाँ आ गए। वाह मेरी किस्मत। तो अब यालिन खुद उनसे बात कर लेगा मेरी जगह, फिर जो होगा वो खुद ही झेलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक भाई के सामने तो कह दिया, तो अब दूसरे भाई को तो कम से कम वो बता ही सकता है ना। यानी रिलेशनशिप में अब अकेले मैं ही तो सब कुछ नहीं संभाल सकती हूँ ना। मैं एक और बात बताऊं तुम्हें, कितनी खूबसूरत जगह है ये, और मुझे याद आ रही है यालिन की कि काश वो यहाँ मेरे साथ होता। उफ, बहुत याद आ रहा है भाई। कितनी ज्यादा याद? बहुत। मुझे शायद वो बीमारी हो गई है जिसमें इंसान जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है। आए, लगता है मैं बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही हूँ। ये तो तुम ही हो, तुम यहाँ हो। उफ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा जहाँ दिल चाहता है तुम पहुँच जाते हो, मेरे बेडरूम तक तो आ ही चुके हो तुम, लेकिन ये तो मेरी दादी जान का घर है। यहाँ मेरी इतनी याद आ रही थी कि रहा ही नहीं गया। मैं तुमसे मिलने नहीं आया। तो फिर किससे? तुम्हारे भाई से। तुम भाग जाओ तब भी मैं उनसे बात जरूर करके जाऊंगा। यालिन, इससे पहले कि तुम जाके मेरे भाई से मिलो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। यानी आज भाई इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मुझे ही भूल गए। उफ, कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ मेरी प्यारी सी जान। दोस्तों टेबल रेडी है, कोई देख ना ले इसलिए तुम लोग जल्दी आ जाओ।